8 साल से इसी घर में रह रहे हो? इसी घर में रह रहे हैं। इतनी जगह में रह रहे हो? इतनी। तो जब गर्मी हो रही है तब कैसे रहोगे? अब क्या करे, गुजारा करे, कर रहे। किसी हिंदू संस्था ने आपको अभी तक कोई मदद करी है अब यहाँ पर आकर जब से आए हो? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे। 8 साल। आप सच बता रहे हो? आप लोग नहीं बात करते हो सबके सामने ऐसे? नहीं करते। घूंघट में ही बात करते हो? घूंघट में बात करते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं? ना स्कूल को नहीं जाते। क्यों स्कूल को नहीं जाते हैं? इतना घना आधार कार्ड घना मांग। अच्छा, आधार कार्ड पहले बनाए थे, वो नोटिस आगे पूरे हम लोगों के बोलते ये तो फर्जी बने हुए हैं। अगर रिन्यू होगा तो नागरिकता होगी, अगर रिन्यू नहीं होगा तो मेरी नागरिकता। 20 साल हो गए हैं यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ मिनिमम 500 से 600 घर हैं। 500-600 घर हैं? 500 प्लस हैं, 600 के लगभग हैं। मतलब नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आ गए हैं जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में दोस्तों बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं। इनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं और आप और हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, इसके लिए एचएसएफ दोस्तों जैसलमेर आ गया है। जोधपुर में अपने सारे कैंप्स कवर करने के बाद, मोस्ट ऑफ द कैंप्स जोधपुर में, जोधपुर इज वेरी बिग दोस्तों, एंड एवरी फ्यू किलोमीटर्स पे कोई ना कोई पाकिस्तानी बस्ती है। मेजर बस्तियां हमने कवर करी है, बट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग जैसलमेर। जैसलमेर में पाकिस्तान के कितने परिवार हैं, मुझे लगता है आपको ये जानकर बहुत हैरानी होने वाली है। अभी मैं जिस घर के सामने खड़ा हूँ दोस्तों, ये एक मॉडल घर है। दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी पाकिस्तानी हिंदू जो पाकिस्तान में आता है। मैं चाहता हूँ पहले मैं आपको इस घर का विजिट करवाऊँ, ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनको क्या सुविधाएं मिली हैं जब से ये यहाँ आए हैं, और इनकी क्या परेशानियां हैं जिसको आपको और हमको मिलकर सॉल्व करना है। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड। इफ यू आर समबडी वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, दिस इज अ चैनल ऑफ हिंदू सम्मान फाउंडेशन। फॉर अस दोस्तों, हिंदूज आर सिख जैन बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज, हम हिंदुओं में जात पात नहीं मानते। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों ये जो कैंप है, इस कैंप का नाम इज किशन घाट, किशन भील बस्ती किशन घाट, और यहाँ पर दोस्तों कुछ भाई हैं जो हमें थोड़ी सी हेल्प करेंगे इस कैंप को समझने में। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम तहमुल राम सर। तहमुल? जी जी। पूरा नाम क्या है? तहमुल राम सर। तहमुल राम। तहमुल जी, ये कैंप के बारे में कुछ बताओ, ये कितना पुराना कैंप है? सर इनको 15-20 साल हो गए हैं यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ मिनिमम 500 से 600 घर हैं। 500-600 घर हैं? 500 प्लस हैं, 600 के लगभग हैं। मतलब 4-5 हजार लोग होंगे कम से कम? आराम से सर। और ये कितना पुराना कैंप है अभी तरफ? 15-20 साल 15-20 साल होने वाले है जी। ठीक है ना, इधर कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की वगैरह मीटर वगैरह नहीं लगाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों की। ठीक है ना, पानी वगैरह की तकलीफें होती है, सिस्टम यही है। देखो अभी लाइट नहीं होती है, मच्छर बहुत होता है, तकलीफ तो होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तकलीफ जरूर होती है। हम लोग बोलते हैं मीटर लगाने का, तो बोलते हैं भाई तुम्हारा कागज प्रूफ है नहीं, मीटर ऐसे लगेगा नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? कोई नहीं मिली है सर। जब से आए हो आप, कितना टाइम पहले आए हो? हमारे को 4-5 साल हो गए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है फालूराम। फालूराम जी। फालूराम जी, पाकिस्तान से जब से आए हो, कोई हिंदू संस्था ने कोई मदद करी आपको यहाँ पे आकर? नहीं, कोई मदद नहीं करी है। अपने दम पर ही खड़े हो? दम पर ही खड़े हैं हम लोग, चाहे मजबूर हुए हैं, जैसे ही टाइम पास कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं। क्या काम करते हो आप? हम मजदूरी करते हैं इधर। ठीक है ना, 500-400 हाजिरी देते हैं हम, ये मजदूरी कर रोजी करते हैं अपना। क्या बोलना चाहोगे हिंदू समाज, पूरा देश विदेश का आपको देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहोगे सारे हिंदुओं को? हम तो यही बोलते हैं हमारे लोगों का व्यवस्था करे अच्छा, ठीक है, हो सके तो मदद करे हम लोगों की। ठीक है, किस तरीके की मदद चाहिए आपको? मदद हमारे यही घर वगैरह नहीं है तो घर बनाने दे चाहिए, कोई मदद करनी चाहिए तो अच्छा होगा, तो हम दुआ करेंगे हम लोग की उसको भाई। जो गरीब परिवार आते हैं वहाँ से उनके लिए जुल्म होता है, हत्या होती है, तो इधर ही आते हैं ना। ठीक है ना, आप पाकिस्तान से क्यों आए थे? हम लोग ऐसे ही आए, उधर हमारे रहने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो हम लोगों को तकलीफ होती है तो इधर आते हैं ना। 15-20 साल से आप यहाँ रह रहे हो? ये वाले भाई पुरानी बस्ती है, पुरानी बस्ती। अपना घर बनाया आपने यहाँ तक? नहीं नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही बैठे हैं, जगह दूसरे लोगों की है, हम बैठ रहे हैं इधर, अभी क्या करें, टाइम पास करते हैं और क्या करना है। बच्चे स्कूल जा पाते हैं यहाँ पे? हाँ बच्चे जाते हैं स्कूल, बाकी हमारे क्या आधार कार्ड वगैरह तो है नहीं। ठीक है ना, वो तो उधर मांगते हैं स्कूल वाले मांगते हैं। आधार कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं आपके? आधार कार्ड पहले बनाए थे, वो नोटिस आगे पूरे हम लोगों के बोलते हैं ये तो फर्जी बने हुए हैं, डीएक्टिवेट हो गए। हाँ, तो गैस चूल्हे हैं यहाँ पे? नहीं गैस चूल्हे। बाथरूम की व्यवस्था यहाँ पे बस्ती में? कुछ भी नहीं है। ड्रेनेज है इस बस्ती में? नहीं।
आइए दोस्तों इस परिवार में चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों ये परिवार दिखाता हूँ। ये परिवार दोस्तों ऐसे ही किसी जगह बैठा हुआ है और ये पत्थरों के घर दोस्तों यहाँ इसलिए बने हैं क्योंकि राजस्थान में पत्थर बहुत निकलता है और पत्थरों से ही लोग यहाँ पर घर बनाते हैं। यहाँ पर झुग्गियों वाला सिस्टम कम है और जितनी तो कॉस्ट में दोस्तों झुग्गियाँ बन रही है दिल्ली में उस कॉस्ट में तो यहाँ पत्थरों का घर बनता है। ये यहाँ परिवार है। आप में से कौन बात कर सकता है? आप बात करोगे? एक चीज में और दोस्तों दिखाऊं, ये खासतौर से भील समाज का मैंने नोटिस करा है, खासतौर से मैंने नोटिस करा वुमेन जो है दोस्तों वुमेन फोक है, इट्स ऑल कवर्ड, सबने घूंघट करा हुआ है। आइए कुछ से बात करने की कोशिश करते हैं। आप में से कौन बात करेगा इधर की तरफ देखकर? आप करोगे? आपका दीदी क्या नाम है? नैनू नाम है। और ये आपका घर कितने साल टाइम पहले आए हो पाकिस्तान से आप? 30 साल है। इधर की तरफ मुड़ो, माइक इधर है ना, उधर की तरफ। 30 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। आपको कितने साल हो गए? हमको जी हम भेड़े हैं साथ में। दोनों बहने हो आप? अच्छा, आपकी बेटी है? लड़की है हमारी, लड़की, चार छोटे छोटे लड़के ही है। कितना टाइम पहले आए पाकिस्तान से? 8 साल हो गए। 8 साल? हाँ। 8 साल से इसी घर में रह रहे हो? इसी घर में रह रहे। दोस्तों पहले मैं आपको इनका घर दिखाऊं, उसके बाद मैं इनसे फिर से बात करूंगा बहनों से। ये इन्होंने पत्थरों से दोस्तों ये झुग्गी वाला सिस्टम बनाया है यहाँ पर। ये दोस्तों ऊपर घास ही घास डली हुई है और ये पत्थर इकट्ठे करके डले हुए हैं। कोई इसमें कंक्रीट नहीं है, सीमेंट नहीं है, ये थोड़ा बहुत सामान है। ये बिजली का कनेक्शन भी मैंने, ये आपका ये बैटरी देखी यहाँ पर, बैटरी है, बिजली नहीं है। ये देखो दोस्तों, ये पत्थर से इन्होंने इसको तरपाल को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए इन्होंने ये घर का इंतजाम जुगाड़ करा हुआ। आप स्कूल जाते हो बेटा? नहीं जाते हो? आप स्कूल जाते हो? आप जाते हो? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। 8-9 साल? 8-9 साल है आपकी उम्र। स्कूल नहीं जाते हो आप? नहीं। जब से आया स्कूल ही नहीं जा रहा? नहीं। आधार कार्ड हो गया, दूसरा कार्ड मांगते हैं, कोई नहीं। तो कोई ऐसा कोई जैसे कोई बाकी संस्थाएं हैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, इनको नहीं भेजते हो? ना ना। क्यों? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आपका घर परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? आगे आधार कार्ड जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं जाते क्योंकि आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड नहीं बना। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? कबाड़ के ही कचरा उठाते थे, गाड़ियां भरते थे। कितनी मजदूरी कमाते हैं वो? 500 जाते हैं, कभी 400-500। ये बिटिया जो है उधर की तरफ मुंह करके क्यों बैठी है? वो ऐसे ही कर रही थी। आप लोग नहीं बात करते हो सबके सामने? ऐसे नहीं करते, घूंघट में ही बात करते हो? घूंघट में बात करते हैं, तो शर्म आई उसे। अच्छा, नहीं तो बात करती है? हाँ, बात करती है। ये दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैसेज है, समझने की जरूरत है यहाँ पर। लड़के है क्या? छोटे छोटे ही बच्चे है क्या? बड़ा लड़का ही है, छोटे छोटे ही है। क्या मदद चाहिए? अगर पूरा हिंदू समाज आपका ये वीडियो देख रहा है, क्या मदद चाहिए आपको? अगर किसी से मदद मांगना चाहोगे? मदद जो तुम लोगों को बोलो, कोई बात नहीं। आप बताओ दीदी। हमको कमरा चाहिए आपको बनाने के लिए। आपका बाथरूम है यहाँ पर? बाथरूम नहीं है। सरकार ने कोई मदद करी जब से आए हो? नहीं नहीं, कोई मदद नहीं मिली है। नहीं। किसी हिंदू संस्थान ने आपको कोई हेल्प करी है? ना, कोई नहीं आप तक पहुँचा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता। आप सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं। आप सच बोल रहे हो? फिर से अपना नाम बताओ दीदी। मेरा नाम नैनू है। नैनू, नैनी बहन है। और ये कौन सी जगह है? ये जगह किशन घाट बेल बस्ती। शाबाश दोस्तों, ये सिचुएशन है इन इस घरों में। ये एक मॉडल घर है दोस्तों। दिस इज जो गरीब से भी गरीब परिवार है जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई प्लॉट लेना या अपने लिए कोई झुग्गी बनाना। दिस इज द सिनेरियो ऑफ दीज फैमिलीज। आप कितने लोग हो घर में भैया? घर ये एक झोपड़े में दो घर है, उस तरफ दूसरा है, तीसरा उधर है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रीतम है। ऐसे रह रहे हो? कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? हमें 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। कोई सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह मिली आपको? कुछ नहीं मिला। कोई हिंदू संस्थान है दोस्तों देश में बहुत सारे, किसी ने मदद करी आपको? नहीं करी। अपने दम पर ही चल रहे हो? अपने दम पर चल रहे। क्या अभी क्या अगर आपको सहायता चाहिए तो क्या चीज, क्या सहायता करें आपकी? सहायता यही कोई घर वगैरह बना दी है। घर के लिए जगह चाहिए आपको? घर के लिए जगह है आपके पास? जगह नहीं है। पहले तो जगह चाहिए होगी आपको। आपका भी ऐसा ही सेम इशू है? हमारा भी ऐसा। इतनी जगह में रह रहे हो? इतनी। तो जब गर्मी हो रही है तब कैसे रहोगे? अब क्या करे, गुजारा करे, कर रहे। आप क्या काम करते हो? कमठे का, पत्थर का जी। आप भी करते हो? हाँ। दोस्तों आइए एक और परिवार है, इनसे मिलते हैं। आप यहाँ पर रह रहे हो? कितने लोग हो आप यहाँ पे?
यहाँ पे तीन भाई है। नहीं, आप आपका परिवार कितना है? दो बच्चे ने। दो बच्चे हैं जी। ठीक, और आप ऐसे रह रहे हो? ऐसे रह रहे हैं। क्या काम करते हो आप? कमते के काम करते हैं, पत्थरों में। जब से आए हो तब से कोई मदद मिली है सरकार से? किसी से नहीं मिली। कोई हिंदू संस्थान से मिले मदद मिली आपको? नहीं जी, किसी से नहीं। अपने एकदम बलबूते पर चल रहे हो। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं? ये बच्चे दो जाते हैं स्कूल। स्कूल जाते हैं बच्चे। और आपकी धर्मपत्नी कुछ काम करती है? नहीं, काम करती, घर पर रहती है। घर पे रहती है, काम है या नहीं करके। ठीक है। ये इश्यूज है दोस्तों यहाँ पर इन घरों में, आप देख सकते हैं तीन परिवार हैं, तीन परिवार कैसे रह रहे हैं। जैसलमेर का एरिया है, बहुत गर्म जगह है ये। और चूल्हा वगैरह कैसे जलाते हैं? लकड़ियों से? लकड़ियों से दोस्तों ये लोग चूल्हा जलाते हैं यहाँ पर। कोई कोई आपको कोई चूल्हा वगैरह मिला सरकार की तरफ से? नहीं, कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग नहीं। क्या कहना चाहोगे? हिंदू समाज आपको देख रहा है, क्या बोलना चाहोगे? कोई जगह दे दे बैठने को, कोई मकान बना के दे दे, उसकी धन्यवाद। इतनी हेल्प चाहिए आपको। आपका क्या नाम है फिर से बोलो? मेरा नाम कांजीराम है जी। कांजीराम। और आपके भाइयों का क्या नाम है? एक सदामा राम है, एक पीतम राम है। एक सदामा राम है और पीतम राम है दोस्तों। ये इनकी डिमांड है, कोई जगह चाहिए इनको, कोई घर चाहिए जहाँ पर ये घर बना सके। क्योंकि दोस्तों जैसलमेर में या राजस्थान में कोई सरकारी ज़मीन पर ये लोग नहीं रह पाते हैं, इसलिए इनको खुद से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। कहीं जाकर कहीं पहले ज़मीन का जुगाड़ करना पड़ता है, फिर कहीं उस पर जाकर झोपड़ी या कोई घर बनाने का जुगाड़ करना पड़ता है। दिस इज़ अ सिनेरियो ऑफ राजस्थान। आइए दोस्तों इस परिवार से बात करते हैं, कुछ भाई खड़े हैं यहाँ पर। जय राम जी की। आपसे बात कर सकते हैं? आपका क्या नाम है सर? शंकर लाल। शंकर लाल जी। और भैया आपका क्या नाम है? नारू राम जी। आप कितने साल पहले आए हो? ये सर मैं, मुझे आए हुए 8 साल हुए। आपको? मेरे को 10 साल। 10 साल हो गए। आपने 10 साल में और आपने 8 साल में वहाँ देखकर देश में आकर क्या बनाया अभी तक? अपने लिए क्या जोड़ पाए हो? सर अपने लिए इतना खास तो नहीं जोड़ा, ये छोटा सा घर बनाया है, वो भी अपने बलबूते पर बनाया है। सरकार के ये जो जमीन है ये मेरी अपनी नहीं है, ये सरकार की है। अच्छा, ये जमीन अपनी नहीं है? नहीं सर, अपनी नहीं है। और ये आपने ये घर बनाया पर? हाँ, जब पाकिस्तान से आया था, थोड़ा बहुत जो गहना था बीवी का वो बेच कर ये लगा कर ये किया था। जब आप आए हो तो सरकार की तरफ से कोई आपको कोई कैंप में कोई व्यवस्था मिली आपको? नहीं सर, ऐसी कुछ भी नहीं मिली। ये सर 8 सालों में मैंने शौचालय भी अभी बनाया है, क्योंकि बच्चे जवान है, बाहर जा नहीं सकते खुले में। अच्छा, ये शौचालय अभी बनाया है? 8 साल बाद? सर 8 साल बाद बनाया है, लेकिन अभी भी पानी के पीने के लिए अभी मेरा टैंका नहीं है, वो भी मैं पड़ोस से पी रहा हूँ। यहाँ अगर पानी का क्या सिस्टम है? पानी के लिए सर टैंके हैं, वो बनाते हैं अंडरग्राउंड टैंक। हाँ, अंडरग्राउंड टैंके बनाते हैं, उसमें वो पानी का वो 500 लेते हैं टैंकी का, जो 10 से 15 दिन चलती है सर। फिर भराते हो? फिर भराते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई पानी का पाइपलाइन नहीं मिला यहाँ पे? पानी के लिए कोई पाइपलाइन नहीं है सर। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इन बातों को नोट करें, क्योंकि ये हिंदू हैं, ये प्रताड़ित होकर पाकिस्तान छोड़कर भारत आते हैं, और भारत आने के बाद इनके पास एक बेसिक फैसिलिटीज, पानी, सड़क, बिजली, ये सब भी उपलब्ध नहीं है। और कोई फैसिलिटी ऐसे गरीब परिवारों को नहीं है जो ये कम से कम यहाँ आकर इनको एक एक रिहैबिलिटेशन मिल सके। आपको सरकार की तरफ से कोई राशन कार्ड या फ्री में राशन मिलता है? नहीं सर, फ्री में हमें कुछ भी नहीं मिलता, सब खरीदना पड़ता है। और आपके पास गैस चूल्हे हैं यहाँ पे? नहीं सर, गैस चूल्हे भी नहीं है। आपका किचन देख सकते हैं? हाँ सर। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इनका किचन देखें, ये ओपन किचन है आपके पास? हाँ, ओपन किचन है। जब बारिश होती तब कैसे खाना बनाते हो? सर बारिश आने से पहले बना लेते हैं, लेकिन बारिश आती है तो भी हमें मजबूरन यही बनाना पड़ता है। ये आपके तवा ऐसा ही है? हाँ, तवा ऐसा है। दोस्तों मैंने नोटिस करा सारी फैमिलियों में इस तरीके से बड़ा तवा, इट्स नॉट ए प्रॉपर तवा। ये एक एक एक, 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 एक कास्ट आयरन को, एक तसले को समझ लो उल्टा करके, इस काइंड ऑफ दैट तवा। बस कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं सर। स्कूल भेज दो। अच्छी स्कूल जाते हैं। आपकी वाइफ कुछ काम करती है? मेरी वाइफ घर का ही करती है सर। क्या पूरा देश विदेश का हिंदू समाज आपको देख रहा है, क्या बोलना चाहोगे आप? हिंदू समाज पूरा देश देख रहा है तो सर यही कहना चाहेंगे हमारी कोई सुविधा की जाए। हाँ बस। क्या सुविधा है, क्या हेल्प करें आपकी? घर के लिए और कुछ बनवा कर दें, घर वगैरह है। अपने लिए कोई जमीन नहीं है, कुछ इस तरह का हो सके जो हमें जमीन मिल सके ताकि हम अपना घर बना सके बढ़िया से। ये कब्जे वाली जमीन? ये सर कब्जे वाली जमीन है, कभी भी उठाया जा सकता है हमें, लेकिन इस तरह उठाते भी हैं। जैसलमेर में अभी भी आपने सुना था काफी घरों को उठाया गया था, तो हमें भी कभी भी उठा सकते हैं, बैठे तो बैठे। कितने परिवार हैं इस कैंप में? मेरे फैमिली में नहीं, पूरे इस कैंप में किशनगढ़ में यहाँ सर 600-700 घर होंगे लगभग। 600-700 घर? 600-700 घर। और पूरे जैसलमेर में सबको देखकर बताओ कितने हिंदू रहते हैं, पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर पूरे जैसलमेर में या किशनगढ़ में? पूरे जैसलमेर में। पूरे जैसलमेर में तो सर हजारों लाखों की तादाद में होंगे।
ऐसे ही है। सबको किसी को कोई हेल्प नहीं मिलती? नहीं सर, अपने किसी को अपने नंबर खड़े अपने दम पर ही करते, जो कुछ भी करते अपने दम पर। किसी हिंदू संस्था ने आपको अभी तक कोई मदद करी है यहाँ पर आकर जब से आए हो? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे। आठ साल में? आठ साल। आप सच बता रहे हो? सच बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये वीडियो सब जगह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आठ साल पुराना घर है, वी आर लेट हियर, लेकिन आठ साल में इन्होंने ये मुश्किल से एक प्लॉट पर इन्होंने ये थोड़ा बहुत ही अपना घर का सेटअप बनाया। एक रूम है इनके पास में। ये आपकी वाइफ से बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। दीदी इधर की तरफ आप थोड़ी देर बात कर सकते हो? पहले तो मेरे को ये बताओ आप सब लोग घूंघट क्यों करते हो? ये रीति है आप लोगों के यार, लेकिन एक चीज मैं दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये भील समाज है और हमने अभी तक बहुत सारी वीडियोस दिल्ली में कवर करी, दिल्ली में भावरी समाज है, तो वहाँ की बहनें हमसे बात करती हैं और खुल के बात करती हैं, यहाँ पर बहनें बात नहीं करती हैं, ऐसा क्यों आप बताओ दीदी? आप इनको दबा कर रखते हो यहाँ पर आदमी लोग? नहीं, 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 दबा के नहीं रखते, शर्म आती है। शर्म आती है बस, शर्म के बारे में। हाँ, ऐसे नहीं तो बात कर सकते हो आप? बोल सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं बोलते। ये प्रेशर तो नहीं करते आपको? ऐसे जैसे पुराने जमाने में जुल्म करते थे ऐसे तो नहीं करते? जुल्म करते हो आपकी चलती है इनके ऊपर? हाँ चलती है दोस्त। और ऐसे दीदी अगर इधर इधर की तरफ देख के बताओ, जब से आए हो अभी तो जैसे आठ साल हो गए, आठ साल के बाद इन्होंने बाथरूम बनाया, पहले जैसे बहने हैं बच्चियां ये कहाँ जाती थी बाथरूम करने? बाहर खुले में? खुले में। सरकार ने कोई इधर की तरफ आओ, मेरी तरफ इधर आओ, आप भी इधर आओ। अब सरकार ने जब से आप आए आठ साल में कोई ऐसी आपको बाथरूम की सुविधा नहीं दी थी? नहीं सर, नहीं दी थी। जब से आप आए हो? जी सर। सारे ऐसे जो नया परिवार आता, चलो आप तो आठ साल पुराने हो, जो जैसे नया कोई आपकी बहन आ जाए, कोई आपका कुछ रिश्तेदार आ जाए, तो वो कहाँ रहेंगे? वो इधर रहेंगे। जो सर हमारे रिश्तेदार आते हैं उनको हम कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए बिठाते हैं, लेकिन उनको भी अपना करना पड़ता है, क्योंकि हम अपना भी मुश्किल से करते हैं, उनके लिए क्या करेंगे सर? बस कुछ दिनों महीनों के लिए हम उनको अपना सहयोग देते हैं जितना हो सकता है, लेकिन उन्हें भी अपने बलबूते पर ही करना होता है मजदूरी करके। जैसे जो पासपोर्ट रिन्यूअल है, वीजा रिन्यूअल है, वो कैसे होता है यहाँ के लोगों का? पासपोर्ट के लिए सर 8-9 हजार रुपया खर्चा होता है। अभी मेरे पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुके हैं। यही जैसलमेर में होता है कि आपको जोधपुर या दिल्ली जाना पड़ता है? हमें पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली का खर्चा कम से कम 8-9 हजार रुपया एक पासपोर्ट पर आता है। ये देखें मुझे आए हुए मतलब 8 साल हुए, अभी पासपोर्ट ये एक्सपायर हो चुके हैं सर। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसको रिन्यू करा सकूं। अगर रिन्यू होगा तो नागरिकता होगी, अगर रिन्यू नहीं होगा तो मेरी नागरिकता नहीं हो पाएगी। तो ये सारे जो इतने सारे हजारों संख्या परिवार है यहाँ पर सभी तो फिर इनको सबको दिल्ली जाना है? सबको सर, एक छोटा सा बच्चा है ना उसको भी दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली में रहने की व्यवस्था आपके पास? नहीं सर, दिल्ली में हमारे। कहाँ रहते हो फिर दिल्ली में जब जाते हो तो? वहाँ स्टेशन पर ही। स्टेशन पर रहते हो? स्टेशन पर ही रहते हैं। ये दोस्तों ये पाकिस्तानी हिंदू समाज है, ये पाकिस्तान का हिंदू है, 77 साल से प्रताड़ित हो रहा है। इनको दके देख रहे हो कितने, जैसलमेर इज लाइक इस नियरेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर, मेरे हिसाब से 1200-1300 किलोमीटर हम ड्राइव करके यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ से दोस्तों इनको अगर दिल्ली जाना पड़ रहा है। पासपोर्ट रिन्यू कितने साल के लिए होता है सबको देखकर बताओ? सर पासपोर्ट रिन्यू एक साल के लिए होता है। हर साल आपको चक्कर लगाना है? हर साल के लिए जाना पड़ता है। तभी आपको एलटीवी मिलती है? तभी एलटीवी मिलती है। और एलटीवी दोस्तों लॉन्ग टर्म वीजा तब तक मिलेगा जब तक पासपोर्ट की वैलिडिटी है। किसी को पाकिस्तान भेजा गया आपके यहाँ पर, किसी को वापस भेजा गया, कोई पाकिस्तान गया वापस रिन्यू करने के लिए? रिन्यू करने के लिए सर गए हैं। भेजा जाता है इंक्वायरी के लिए भेजा जाता है। जिनकी फैमिली में एक दो है वो तो इजीली करा देते हैं, लेकिन हम अभी 10-10, 20-20 पासपोर्ट वाले एक फैमिली वाले कहाँ से सारे। आपकी कितनी कमाई होती है दिन में? दिन में सर 300-400, वो भी कभी सर लगते हैं कभी नहीं लगते। आप भी यही काम करते हो? हाँ जी। क्या समाज मैसेज देना चाहते हो सरकार को, हिंदू समाज को, क्या चीजें क्या बदलाव देखना चाहते हो इन चीजों में? वीजा रिन्यूअल में, पासपोर्ट रिन्यूअल में क्या बदलाव देखना चाहते हो? ये सर जो अभी भी नागरिकता चाहिए, अभी नागरिकता दी जाए ताकि हम भी अपना कुछ कर सके, हमें राशन मिल सके। अभी राशन के लिए वो राशन कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड तभी मिलता है सब जब नागरिकता होगी। अभी बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन का मसला होता है आधार कार्ड से, आधार कार्ड हमारे बनते नहीं सर, आधार कार्ड बनते नहीं तो वो नहीं हो पा रहा है एडमिशन वगैरह, क्यों एडमिशन के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी है। अभी नए बनते नहीं, आधार कार्ड बनाते नहीं। ये प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर। चलिए हम फिर से आपके पास आते हैं,
ये इश्यूज है दोस्तों यहाँ पर। दिस इज किशन घाट कैंप भील बस्ती इन जैसलमेर। 500 से 600 परिवार यहाँ पर रहते हैं। कुछ कुछ लोगों ने दोस्तों यहाँ पर अपने ये पक्के मकान बनाए हैं, बट आपने हार्डशिप देखी इनकी कितनी है। इनको मजदूरी कर करके दोस्तों ये जोड़ जोड़ के, ये पत्थर पत्थर जोड़ जोड़ के अपना घर बनाते हैं। ये स्टोरी दोस्तों हर परिवार के यहाँ पर है। एंड वी एज ए नेशन, सोवेरियन नेशन, हमारे देश ने दोस्तों कोई हेल्प इनको प्रोवाइड नहीं करी है। और जो आपने खुद सुना है, कोई भी हिंदू संस्थान या हिंदू संस्थान संगठन इन तक अभी तक नहीं पहुंचा है, विच इज़ काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट बात। क्योंकि दोस्तों हम कश्मीरी हिंदू भी, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं। और ये जब जब ये कोई ऐसी बात सुनता है तो बहुत बुरा लगता है। देश में बैठे जो हमारे इतने मठ मंदिर, शंकराचार्य, इतने बड़े बड़े जो 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 जो, जो संस्थान चलाते हैं हिंदू संस्थान, इतना डोनेशन आता है हिंदू संस्थानों में, ऐसे संस्थानों को भी आगे आकर ऐसे परिवारों की हेल्प करनी चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए का दोस्तों हर बड़े बड़े मंदिरों में दान आता है, लाखों करोड़ों का। तो वो अगर थोड़ा बहुत पैसा दोस्तों ऐसे परिवारों को बिल्टअप करने में लगाया जाए तो हमारी सोसाइटी कितनी अपडेट हो सकती है। मैं आपको एक और परिवार के पास चलते हैं दोस्तों, आइए इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? ठीक। आपका क्या नाम है? आपका नाम ठाकर। ठाकर? ठाकर, बस ठाकर। ठाकरिया जी। हाँ, वो मतलब ठाकरिया जी। ठाकरिया? ठाकरिया। हाँ, वो तो नहीं, वो जो शोले के ठाकुर थे। और आपके पास यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? दो चार अपने आदमी। ये हम खुद ही बात करते हैं, हम खुद बात कर सकते हैं आपके लोगों से यहाँ पर, इन बहनों से बात कर सकते हैं? बहन से बात क्यों ना कर। शाबाश, थैंक यू दोस्तों। यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि इनका समाज इज डिफरेंट। आपसे बात कर सकते हैं? आओ दोस्तों, इस बहन से बात करते हैं। दीदी की कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? मुझे भाई आया जगह जगह को नहीं है, ये जगह में बेचना रह चाहिए। तीन। इधर आओ तुम, इधर मुझे समझाओ तुम्हारी मम्मी को बात। मम्मी आपकी ना? बुआ। बुआ है। अच्छा, ये क्या कह रही है कि अपनी जगह नहीं है? ना ना, अपनी जगह को नहीं है, अपनी जगह नहीं है। नहीं। और तीन परिवार रहते हो आप लोग? हाँ। कितने टोटल मेंबर हो यहाँ पे? हम सदस्य कितने हो? हम परिवार ये आठ है। 30-40 लोग हैं। इनके बारे में सर बताओ, कितने कितने लोग रहते हैं इनके यहाँ? 4-5 परिवार रहते हैं जिनके सदस्य होंगे मिनिमम 40 से 50। और इनके लिए एक ही मकान है दोस्तों। मैं आपको इनका पहले घर दिखाता हूँ। हाँ जी जी, चलो ये दोस्तों इनका घर देखते हैं पहले। ये दोस्तों वन रूम का कमरा है। पता नहीं आप कैमरे पे देख पा रहे हो। एक चीज मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, इस घर में पंखा नहीं है और ऊपर ये टीन का दोस्तों छत है। नाउ यू कैन इमेजिन के जैसलमेर जैसे जगह में इतनी गर्मी पड़ती है, तो इस टीन के घर में ये लोग कैसे रहते हैं? इधर कौन रहता है? इधर मेरे भाई रही, बहू रही। बहू रहती है आपकी? नहीं, भाई 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 भाई, भाई, भाई है। हाँ। भाई रहते, उनका परिवार रहता है। परिवार वो आठ। चूल्हा यही है? हाँ, चूल्हा ही है। गैस चूल्हा मिला आपको? गैस चूल्हा ना, गैस कौन मिला? गैस चूल्हा कौन मिला? गैस चूल्हा नहीं मिला सरकार की तरफ से आपको? कोई कौन मिला? ये लकड़ी पर ही खाना बनाते हो? लकड़ी है, देखो बड़ा हटुका जी। क्या बोलना चाहोगे? देश विदेश का हिंदू समाज आपको देख रहा है बहन जी, क्या बोलना चाहोगे? क्या मदद चाहिए आपको? आपको मैं कमरा मदद चाहिए, कमरा बनाने में मदद चाहिए आपको? हाँ। ये आपने जगह अपनी बना ली है, अब कमरा चाहिए आपको? हाँ, कमरा चाहिए। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? यो कबाड़ का काम करता है। कबाड़ का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। आपका क्या नाम है? आपका कुंजा। कुंजा? हाँ। कुंजा बहन का नाम है दोस्तों। 6 बच्चे हैं इनके। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? कोई कौन जाता है? कोई कोई जाता है, इतने जाते हैं चाचा। क्या कह रही मम्मी? ट्यूशन पढ़ने आते हैं? ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं? ना, स्कूल को नहीं जाते। क्यों स्कूल को नहीं जाते हैं? इतना घना आधार कार्ड घना मांगे। अच्छा, आधार कार्ड नहीं, इससे नहीं जा पा रहे हो? आधार कार्ड मांगे, कागज घना मांगे। कितने टाइम से आप आए हो पाकिस्तान से? कितना? 9 महीने। 9 महीने से? 9 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? ना ना। पाकिस्तान में स्कूल जाते थे बच्चे? पाकिस्तान में जाते थे ये बच्चे? स्कूल जाती थी? कौन जाती थी? ये नहीं जाती थी। और ये अभी यहाँ ट्यूशन पढ़ती है? ना। आप ट्यूशन पढ़ते हो? नहीं। क्यों? इधर नवा आया जड़ यहाँ, जगह कौन लेनी? जगह कौन लेनी? जगह के अरेंजमेंट करोगे लेकिन? हाँ। इसको पढ़ाओगे आप? हाँ, पढ़ाओ।
पढ़ाओगे? हाँ। समझ में आई मेरी बात आपको? हाँ। इसको पढ़ाओगे? हाँ। आपका क्या नाम बेटा? नजीरा। नजीरा आपका नाम है। दोस्तों ये शो ये बेटिया जिस पढ़ती है, आप पढ़ते हो? नहीं। नहीं ट्यूशन भी नहीं जाते हो आप? नहीं। क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना कितने साल के हो आप? 11 साल के हैं। आइए दोस्तों आपका क्या नाम है? अंकू। अंकू। हाँ। और आपके कितने बच्चे हैं? 8। 6 आपके 6 बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं। नहीं जाते? ना। क्यों? सेम रीजन? आया नवा देखो नहीं चौथा महीना है ना आपका? चौथा महीना है। अगर मैं पूछूं पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने, क्या क्यों छोड़ा? उधर की तरफ देख के बताओ पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? अपने वतन में आया हूँ। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान क्यों छोड़ा? पाकिस्तान में अपने वतन में आया जो बच्चे पढ़ाने जनरल टाबरा में पढ़ा। हाँ मैं खोराती। हाँ टाबर दोस्तों मतलब बच्चे है ना? हाँ ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हो आप? हाँ उधर मुखलार जगह थे, वहाँ हमारी जगह वास्ते आया। वहाँ पर पाकिस्तान में कितने कहाँ पर रहते थे आप? कितने वहाँ पर कहाँ रहते थे? उतर डरकी रहता है। डरकी वो कहाँ पे जगह? सिंध में। सिंध में। और जोधपुर बॉर्डर से आए हो? हाँ जोधपुर। जोधपुर से आए हो? हाँ। चलो ठीक है। कोई आपको घर की मदद चाहिए? हाँ घर की मदद चाहिए। और यह सारे मेहनत मजदूरी करते आप लोग? किचन ऐसा ही इतना? यही किचन है आपका? यही किचन योजी है। किचन हिचन कौन कौन? ये दोस्तों देखिए देख देखने में दोस्तों बहुत बुरा लगता है, किचन नहीं इनके पास में, अपने बलबूते पर ये परिवार यहाँ बच्चा होरा करण वास्ते आप मुल्क में आया। आपका अपना मुल्क है? हाँ। आप ही का ये? हाँ। इनका अपना मुल्क है, अपना वतन है इनका दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर आप घर देख सकते हैं, झुग्गी होंगे, क्या हालत है। किसी हिंदू संस्थान ने, किसी संस्था ने कोई मदद करी आपको अभी तक? इतने कोई कौन करे? कहीं किसी ने नहीं करी है? आप सच बता रहे हो? कहीं कौन करे? सच कोई कौन करे? मदद कहीं कौन करी? माँ हमारा आया कोरिया कर जाए लकड़े टोक का जाए ओखी पा बाद आया जब छपके था मैं बाहर जगह बैठा। किसी ने मदद नहीं करी? ना किसी ने करी। कोई कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? कोई कौन मिली? नहीं मिली है? सच बता रहे हो? जब आप पाकिस्तान से आए कितने पैसे लेकर आए थे आप हाथ में? इतने पैसा इतना जरिया था पुक जेरा काम करते भाड़ा किराया भरते करते जीरो आप पुक जे। पाकिस्तान में क्या काम करते थे? पाकिस्तान में खेत हुआ, खेत में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों आइए किसी और परिवार से बात करते हैं। इशू सेम है दोस्तों यहाँ पर कुछ भी इनके पास न कोई गवर्नमेंट की हेल्प है। आप माता जी कुछ बात आप बात करना चाहोगे? आप मकान बना दे। मकान बना दे आपका? मकान आपकी धन्यवाद मेहरबानी। अच्छा जरा आप ये बताओ, आप तो इतने मजबूत से लग रहे हो मेरे को दोस्तों। ये इनका नाम ठाकुर है? ठाकुर जी है ना? हाँ सर ठाकुर जी। आप बताओ जरा, आप सारा देश विदेश का हिंदू समाज आपको देख रहा है, हिंदू संस्थान है हमारा, आपको मकान बनाने में हेल्प चाहिए। हाँ। खुद नहीं बना पा रहे हो? ये की क्या काम करते हो आप? यो ये कब ठेकी नौकरी कम मेहनत मजदूरी मजदूरी है। ये आपने प्लॉट खुद से ले लिया? लेकिन प्लॉट ये बड़े कोई बड़े कहीं दशहरे बन गया। ठीक है अपना कुछ देखता पे मकान ही हो। चार परिवार रहते हैं आप लोग यहाँ पे? बस ये मेहरबानी कर आपको मकान चाहिए, आप बरसात में रात दी हलाक थी। दोस्तों ये इशू यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं की हेल्प करी जा सके। यहाँ पर इनकी सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, इनको हर चीज़ की हेल्प चाहिए। कुछ लोगों ने दोस्तों थोड़े बहुत अपना प्लॉट का इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जगह नहीं है। आइए एक बार परिवार को दिखाते हैं। क्या हाल है? ठीक है। सबको हेलो करो। हेलो। आप कंचे खेल रहे हो? आप स्कूल जाते हो? नहीं। जाते हो? नहीं। सच बताओ? नहीं जाते। नहीं जाते हो? इधर आओ फिर, इधर की तरफ देख कर बताओ। इधर आओ आप, खड़े हो जाओ, इधर आओ आप इधर आओ। हाँ इधर आओ आप, इधर आओ, वहाँ की तरफ देखो। स्कूल जाते हो? नहीं। आपका क्या नाम है? सपना। शाबाश। आपका क्या नाम बेटा? कविता। कविता। आपका? विजय। विजय। ओ मेरा नाम है विजय, पता है? आपका क्या नाम? विनेश। मेरा नाम राव। राव शाबाश। और आप पांच बच्चे हो, आप स्कूल नहीं क्यों नहीं जाते हो? मम्मी नाम नहीं लिखता है। नाम नहीं लिखता है स्कूल में? नहीं। ट्यूशन पढ़ने जाते हो? हाँ। ट्यूशन पढ़ते हो यहाँ पर आप? हाँ।
दोस्तों यहाँ पर कोई संस्था है जो ट्यूशन पढ़ा रही है, थैंक यू वेरी मच उस संस्था के लिए जो ऐसा काम कर रही है। और आप कितने साल पहले पाकिस्तान से आए हो? मुझे 10 महीने हुए। तो 10 साल, 10 महीने। आपको कितना समय हुआ? 1.5 महीना हुआ। उधर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ, शाबाश। और आप सारे अभी आए हो 10 महीने पहले? हाँ। सारे भाई बहनों? भाई बहनों आप? हाँ। और यहाँ पापा क्या काम करते हैं आपके? मजूरी करते हैं। मम्मा? मम्मा घर पे रहती है। हाँ। और आप लोग यही मम्मा की हेल्प करते हो? हाँ। ये दोस्तों ये इशू है, ये दोस्तों इनके घर देखते हैं। अपना घर दिखाओगे आप हमें? हाँ। दिखाओ। ये घर आपका? हाँ। दोस्तों आइए इनका घर देखते हैं। ये दोस्तों पूरी इज कम्प्लीट जुगी टाइम, यहाँ जुगिया नहीं दोस्तों, यहाँ पत्थरों के घर है, लेकिन ऊपर टीन लगा हुआ है। पंखा नहीं आपके पास में? नहीं नहीं, कूलर है बस एक छोटा सा है। चलिए आइए दोस्तों, ये है दोस्तों किशनघाट कैंप, और दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी पाकिस्तानी हिंदू। दिस इज द सिनेरियो ऑफ दिस कैंप। यहाँ पर बहुत सारे परिवार काफी समय से रह रहे हैं, कुछ भी हेल्प सरकार की तरफ से नहीं है। ये सरकार की तरफ से दोस्तों हेल्प क्यों नहीं है, इसके लिए हमने ये संगठन बनाया है। बिकॉज दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री खास तौर से, इज सबसर्वियंट टू द पॉलिटिकल विल ऑफ पीपल। और पॉलिटिकल विल ऑफ पीपल हैज टू बी यूनानिमस, इट हैज टू बी स्ट्रेंथेंड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, कि हम एकजुट होकर एक कॉमन वॉइस में गवर्नमेंट से चीजें डिमांड करें। और हम चाहते हैं आप और हम मिलकर इन पाकिस्तानी हिंदुओं की वॉइस बने। दैट इज द रीजन वी क्रिएट दिस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे राजस्थान ऑपरेशंस आर ऑन द वे। मैं चाहता हूं आप हमें कंट्रीब्यूट करें। यहां पर घर बनाना इज नॉट अ बिग डील, और यहां पर लैंड खरीदना इज नॉट कॉस्टली रिमोट एरियाज में, बिकॉज दीज पीपल जो मोस्टली ये मजदूरी का काम करते हैं, तो मजदूरी का काम करने के लिए दोस्तों दे नीड सम सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और यहाँ पर इतने सारे पाकिस्तानी हिंदूज है कि कोई भी सामाजिक संस्थान यहाँ पर इन सबको रीच आउट नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ दोस्तों यू सपोर्ट हिंदू सम्मान फाउंडेशन एंड अवर ऑपरेशंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।